नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दिल्ली से बड़ी खबर है, आज होगी अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे केजरीवाल। सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता दें, अरविंद केजरीवाल की तीसरी बार यानी कि 3.0 शपथ ग्रहण की तैयारियां भी पूरी हैं। रामलीला मैदान में करीब 1 लाख लोगों के जुटने की खबर है। केजरीवाल के साथ में उनके 6 मंत्री और शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए एक बार अरविंद केजरीवाल के इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं। 2013 में पहली बार विधायक बने अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को जानिए समझिए। 2013 में 49 दिनों तक दिल्ली के सीएम रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये तमाम जानकारियां उनके बारे में, 14 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से वो चुनाव लड़े थे लेकिन करारी शिकस्त मिली थी। 15 में फिर नई दिल्ली सीट से विधायक बने थे अरविंद केजरीवाल। 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली के सीएम पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी, ये भी आपको हम बता दें। 2013 में पहली बार विधायक बने अरविंद केजरीवाल। तो एक ये सफर रहा है अरविंद केजरीवाल का जो हमने आपको दिखाया है। जाहिर तौर पर अन्ना आंदोलन में एक कड़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी थी और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, यानी कि एक सोच, एक विचारधारा जो आम आदमी के लिए काम करती है, आम आदमी की पार्टी है। नाम भी इसका इसीलिए आम आदमी पार्टी रखा गया। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सफ़र नहीं है, कोई पुराना इतिहास नहीं है, कोई परिवार में नहीं रहा है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल आज जिस मुकाम पर हैं वो आपके सामने है। ब्रजेश बासु एसोसिएट एडिटर न्यूज वन इंडिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, तैयारियों को लेकर बात की जाए तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से उन्हें सर माथे पर बिठाया है, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं केजरीवाल और प्रचंड बहुमत वो दूसरी बार जो सत्ता पर आ रहे हैं। पहली बार तो उन्हें 28 दिन मिली, उसके बाद फिर उनको 67 सीटें मिली और इस बार फिर समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को स्वीकार के सिरमाथे पर बिठाया। जी, जनादेश है वो बहुत कुछ कहता है और यही वजह है कि जिम्मेदार उसका एहसास भी केजरीवाल को और जिस को जन भागीदारी के साथ जोड़ने की बड़ी कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात यह कि न सिर्फ यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, पूरी दिल्ली को इसका न्योता दिया गया है, पूरी दिल्ली को आमंत्रित किया गया समारोह के लिए। इसके साथ ही 50 खास करके 47 वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को संवारा है और सबसे बड़ी बात यह कि 6 मंत्रियों के साथ केजरीवाल और 6 मंत्री तो शपथ लेंगे, इसके साथ ही 47 वो लोग भी मंच पर मौजूद रहेंगे जो दिल्ली को संवारने का जिनके ऊपर जिम्मा है। जिस तरह से उन्होंने फरिश्ते स्कीम चलाई, उस स्कीम को से जुड़े हुए शामिल होंगे, ऑटो ड्राइवर शामिल होगा, बस कंडक्टर शामिल होगा आपका। आप सोचिए कि मतलब जिस तरह से मोबाइल एम्बुलेंस जो है वो उसके चालक शामिल होंगे, तो अलग अलग तरीके से जो हैं, जो अलग अलग तरीके से दिल्ली को संवारने के लिए दिल्ली की जिम्मेदारी निभाने वाले जो वॉलंटियर्स हैं वो इस पूरे उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वो अपने आप में एक तरीके का जो है पूरा माहौल होगा। इसमें मेट्रो चालक शामिल होंगे, उन शहीदों की पत्नियां यहाँ पर परिवार शामिल होंगे जिन्होंने दिल्ली में रहते हुए जो है जान दिया, ड्यूटी के दौरान जान दिया, या फिर उन जवानों को जिनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली सरकार द्वारा दी गई। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को न सिर्फ जन भागीदारी के साथ जोड़ा जाए बल्कि ऐतिहासिक भी बनाया जाए और उसी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शपथ ग्रहण जो है आज बिल्कुल जाए। तो आप ब्रजेश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जमीन पर अभी तक देखा गया, हालांकि राजनीति भी बहुत हुई दिल्ली में भी, जिस तरीके के परिणाम हमने देखे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण में भी वही कोशिश की है जिस विचारधारा की वो हमेशा बात करते हैं कि आम आदमी के लिए हम कार्य करते हैं। तो आम आदमी को ही एक VIP ट्रीटमेंट देने की एक कोशिश है जो अरविंद केजरीवाल ने यहां पर की है। देखिए निश्चित तौर पर आम आदमी ही इस सरकार की ताकत है, इस पार्टी का नाम ही आम आदमी नहीं है बल्कि आम आदमी का जुड़ाव ही इस पार्टी की अपनी ताकत है या फिर वजूद है। जिस दिन तक आम आदमी इस पार्टी के साथ जुड़े उस दिन तक
आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है और उसको अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बखूबी जानती है। यही वजह है कि तमाम फैसलों में जन भागीदारी की बात की गई, जन सहभागिता की बात की गई, जन सहमति लेकर के जो है तमाम फैसलों करने की बात की गई। जब इस बार मैनिफेस्टो बना रहे थे जो है आम आदमी पार्टी, तब भी कहा गया कि हमने जनता से उसको लेकर के राय ली है कि क्या क्या मुद्दे शामिल होने चाहिए, किस तरीके से जो है आगे सरकार को बढ़ना चाहिए, क्या जब कमिटमेंट साइन कर रहे थे, जब उन्होंने अपना एक जो है प्रतिबद्धता जो है पत्र जारी किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने जनता बिल्कुल जाहिर। चलिए ब्रजेश जी, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से रुक करेंगे आपका। तो दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगी शाहीन बाग की मुस्लिम महिलाएं। दोपहर 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। गृह मंत्री आवास पर पहुंचकर मुस्लिम महिलाएं मुलाकात करेंगी। पिछले 2 महीने से जारी है शाहीन बाग पर धरना प्रदर्शन, सीए के विरोध में मुस्लिम महिलाएं ये धरना प्रदर्शन दे रही है। तो ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये जानकारी पुख्ता नहीं थी कि मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन अब समय भी निर्धारित हो चुका है, अमित शाह मुलाकात करेंगे शाहीन बाग की मुस्लिम महिलाओं से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सृष्टि रस्साकसी अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो डेलीगेशन को इजाजत दी गई है वो महज 8-10 महिलाओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो केवल जो है मिलने की इजाजत दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देर रात शाहीन बाग में जो सहमति बनी है वो इस बात को लेकर के बनी है कि अगर अमित शाह हमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकते तो हम शाहीन बाग के सारे लोग प्रोटेस्ट मार्च के जरिए जाएंगे और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस बात को लेकर के जो शाहीन बाग SHO हैं उनको इसकी जो है एक आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें एक पूरा मार्च निकालने की, गृह मंत्रालय तक पूरे मार्च निकालने की बात की गई है, जिसको लेकर इजाजत नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं अभी एक इस प्रोटेस्ट मार्च को लेकर के भी अभी जो है कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस प्रोटेस्ट मार्च को इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि महज अगर डेलीगेशन जाता है तो गृह मंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर पूरा जो प्रोटेस्टी अगर जो है मार्च करते हुए गृह मंत्रालय तक जाएंगे तो उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी एक बार फिर टकराव की स्थिति बन सकती है। तो अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि केवल महिलाएं मिलने जाएंगी या पूरा जो है जो विरोध प्रदर्शन करने वाला पूरा लोग है वो सारे लोग जाएंगे। तो ये अभी कसमकस की स्थिति बरकरार है। फिलहाल 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, देखना होगा कि आखिर जो है वो डेलीगेशन अकेले जाता है या नहीं जाता। बिल्कुल, चलिए ब्रजेश जी, बस जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं आज बनारस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 1200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कुल 48 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को हरी झंडी। करने के बाद में संबोधित करेंगे। सुजीत हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सुजीत, किस तरीके की हलचल, जैसे जैसे दिन आगे निकलता जा रहा है, जाहिर तौर पर हलचल और ज्यादा आज काशी में देखने को मिल रही है, काशीवासियों में एक अलग ही उत्साह आज देखने को मिल रहा होगा। जी बता दें कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इस वक्त पहली बार आ रहे हैं और लगातार लोगों में बात की जाए तो यहाँ लोगों जो है वो लोगों में उत्साह है और लोगों के का वो लोग हैं, और जब बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था भी चार चौबंद की गई है, स्त्री सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री आज वाराणसी आ रहे हैं तो लोग उनके स्वागत के लिए सुबह की पहली किरण के बाद से ही लोग छतों पे आ गए, अपने मकान के ऊपर आ गए, बरामदे में आ गए। बस ये है कि प्रधानमंत्री आए तो उनका स्वागत करें, क्यों न हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं है, वाराणसी के सांसद भी है, और इसलिए लोग बहुत अधिक उत्साह है लोगों में।
बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से सुजीत ढोल नगाड़ों के साथ में पुष्प वर्षा करके मंत्र उच्चारण के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत यहां किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप में काशी की संस्कृति समृद्धि को भी दर्शाता हुआ नजर आएगा। जी बता दें कि पार्टी जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो अलग और जो लोग हैं वो लोग अलग, मतलब जो काशी की जनता है वो अलग। हर लोगों में बस उत्साह है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम तैयारी के लिए खड़े और उसी को लेकर यहाँ पे लोग हर लोगों से काफी सुजीत आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि कार्यकर्ता अलग उत्साहित हैं, आम जनता अलग उत्साहित है और जिस तरीके से पूरी काशी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, जाहिर है बेहद खास दिन है, उनके सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मौका है काशीवासियों के लिए और इस मौके पर तमाम बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं यहाँ पर होने वाली हैं? बता दें कि लगभग 1200 करोड़ का यहाँ लोकार्पण न्यास करेंगे प्रधानमंत्री। और बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र का भी उन्होंने आज उसका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और बात की जाए रामनगर किस पड़ाव पे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन का भी आज उसका लोकार्पण करेंगे। और उसके साथ बता दें कि यहाँ पे महाकाल एक्सप्रेस उसका भी लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद बता दें कि एक हॉस्पिटल बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बेच चुके उसका उनको आज उसका लोकार्पण करना है। जी बिल्कुल, पूरे रूटीन की अगर बात करें हम सुजीत यहाँ पर कि आखिरकार क्या रूटीन होने वाला है, क्या रूट होने वाला है प्रधानमंत्री का, वो भी हम आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे। जी बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 10 बजे करीब बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, फिर वहां से सीधे बीएचयू हेलीपैड पे उतरेंगे, लगभग 10:35 पे वहाँ आएंगे, फिर वहाँ से 10:45 पे बिल्कुल सुजीत कुछ लोग आपके आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, काशी बहुत उत्साहित है आज, जाहिर लोग भी बहुत उत्साहित होंगे, आसपास जो लोग हैं आप प्लीज कोशिश करिए उनसे बातचीत करने की और समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार क्या कुछ इस समय वो महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए बाबा, कहाँ से आए हो? मोदी जी आ रहे, कितना खुश हो? कितना खुश हो? हिंदी आती है? हिंदी आती है? हिंदी नहीं आता बार बार, कुछ लोगों को जो हिंदी नहीं आती तमिल है ये लोग और गुजराती है, ये लोग को हिंदी नहीं आती है और लोग जो आए हैं ये लोग जो प्रधानमंत्री से मिलने और बहुत अधिक उत्साहित है। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुजीत जिस तरीके से अभी हम सिक्योरिटी भी वहां पर देख रहे हैं, एक बड़े पैमाने की फोर्स वहां पर लगाई गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, 49 DSP की टीमें निगरानी यहां पर रखने वाली हैं, जाहिर है सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? बता दें कि सिक्योरिटी की बात की जाए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, PSP लगाई गई, रैपिड एक्शन लगाई गई, RF फोर्स लगाई गई और ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जगह जगह पुलिस के जवान छतों पे कैमरा देख रहे हैं, जगह जगह निगरानी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए स्त्री सुरक्षा, ये बिल्कुल। चलिए सुजीत आप बने रहिए हमारे साथ में, हम फिर से रुक करेंगे आपका और तमाम जानकारियां हम लगातार लेते रहेंगे, फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पीएम मोदी की अगवानी करेंगे योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम तैयारियों का निरीक्षण भी कर चुके हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पहुंचकर सीएम ने जायजा लिया है, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ, सर्किट हाउस में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है, जंगमबाड़ी मठ पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की जानकारी भी ली है। तो सुजीत लगातार हमारे साथ अपडेट के साथ में बने हुए हैं, सुजीत आपसे सीएम जिस तरीके से दौरे पर पहुंचे कल ही और उन्होंने तमाम योजनाओं पर योजनाओं का निरीक्षण भी किया है, आज अगवानी भी करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये बता दें कि रात को प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व यहाँ पे जंगमबाड़ी मठ में आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने यहाँ पूरा इसका जायजा लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, उस वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद अब बता दें कि सर्किट हाउस से मुख्यमंत्री थोड़े देर में अब निकल के बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, मुख्यमंत्री क्योंकि वहां पे बाबतपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं। चलिए अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बना रखिए।
मानव दर्शन के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो भावनाएं थी पिछले 5.5 वर्षों से इस देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब इस सपने को साकार होते हुए देखा है तो पूरा काशी और पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जिन सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगी है उससे संबंधित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस भव्य स्मारक का लोकार्पण को पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 6 महीनों के दौरान किया है। पूरी काशी पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उत्सुक। सोलह फरवरी को नरेंद्र मोदी करीब 7 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में होंगे। पीएम मोदी के आगमन की सभी तैयारियां पूरी हैं। काशी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस बार बनारस दौरे पर कई खास नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीएचयू से लेकर जंगमबाड़ी मठ के बीच में कुल 45 पॉइंट बनाए गए हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। जंगमबाड़ी मठ में चल रहे वीर शैव महाकुंभ में भाग लेंगे। वैदिक मंत्रों का जाप और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 48 सरकारी योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बनारस में पीएम मोदी करीब 6 घंटे रहेंगे। जंगमबाड़ी मठ काशी के सिंहासन पर विराजमान जगत गुरु स्वामी चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी ने बताया कि पीएम धार्मिक पुस्तक और ऐप सिद्धांत शिवमणि का विमोचन करेंगे, साथ ही करोड़ों शिवलिंग गुरु के संजीवनी समाधि का दर्शन भी करेंगे। हिंदू और मुगल शासकों के लिए प्रमाण पत्र देखेंगे। प्राय भारत में अपने काशी में ऐसे अनंत शिवलिंगों का स्थान कहीं नहीं है, उसको देखने से उनको आनंद भी होगा। इस मंच पर ग्रंथों का विमोचन होगा जो 17-18 भाषाओं में सिद्धांत शिखामणि का जो मुद्रण ग्रंथों का भी विमोचन होगा और सभी ग्रंथों एक मोबाइल ऐप तैयार किया उसका भी वो लॉन्च करेंगे और उसके बारे में उनका उद्बोधन होगा। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ से महाकाल की नगरी तक सीधे जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस की भी सौगात देंगे। बनारस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन में हमसफर के 12 कोच लगाए गए। खासियत यह है कि यात्रियों को शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। महाकाल एक्सप्रेस की सौगात देंगे पीएम। बनारस से सुल्तानपुर तक होगा ट्रायल। सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे, एलईडी लाइट के साथ 2-2 चार्जिंग पॉइंट। ये ट्रेन 20 फरवरी से आम जनता के लिए होगी। महाकाल एक्सप्रेस मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ को जोड़ने वाली ट्रेन होगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। न्यूज वन इंडिया के लिए सुजीत पटेल की रिपोर्ट बनारस से। रुकेंगे शॉर्ट्स ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।